हेलो एवरीवन, नमस्ते टू ऑल। आई होप आप लोग सब अच्छे हो। आज जैसे कि वीडियो की बिगनिंग में आपने देखा कि आज मैं मेरी जो 14 मंथ की बेबी है शनाया, उसका मैं मॉर्निंग से लंच तक जो रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ। तो अभी तो वो नॉर्मली 7:30 उठ जाती है, उसके बाद कुछ कुछ एक्टिविटी कर रही है जैसे आप देख रहे हो, वो कुछ कुछ अभी प्राणायाम वगैरह भी वो देखती है मेरे से करने से, तो वो कर रही है कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा। फिर आईज़ कहाँ है दिखाती है आईज़, फिर नोज़ दिखाती है, टीथ वगैरह दिखाती है, लिप्स दिखाती है। तो ऐसे ऐसे सुबह उठ के थोड़ा थोड़ा वो नॉर्मली उठने के बाद बच्चे थोड़ा डल रहते हैं, तो उसको ऐसे कुछ एक्टिविटी करने के बाद वो थोड़ा फ्रेशन अप हो जाती है। तो 10-15 मिनट ऐसे कुछ इधर उधर करने के बाद उसको मैं एक 150 ml से 200 ml जैसे होता है ना, उस टाइप का क्वांटिटी, ऐसा कोई ज़्यादा मेरे पास क्वांटिटी का कोई बॉटल नहीं है, लेकिन मैं ग्लास क्वांटिटी के लिए लेती हूँ। उस ग्लास में आप देख सकते हैं इतना मिल्क मैं देती हूँ उसको पीने के लिए सुबह। उसके बाद मैं योगा करती हूँ, तो वो भी योगा करने बैठ गई यहाँ पे, नेक रोटेशन कुछ कुछ कर रही है अभी। तो कुछ टाइम के बाद लाइक 15 to 30 मिनट्स के बाद उसके अंदर मैं उसको उसका ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने उसको सेरेलेक दिया है, तो नॉर्मली कभी सेरेलेक देती हूँ, नहीं तो पोहा हो गया, इडली हो गया, उपमा हो गया, वो भी मैं देती हूँ जो हम घर में हम लोगों के लिए बना रहते हैं, तो वो भी दे देती हूँ कभी कभी। फॉर ए चेंज मैं सेरेलेक देती हूँ। तो उसके बाद वो पार्क में खेलने के लिए जाती है, नॉर्मली उसके पापा लेके जाते हैं या मैं लेके जाती हूँ, छुट्टी है तो उसके बाबा लेके गए हैं, तो मैं सुबह या शाम एक बार पार्क लेके जाती हूँ उसको। तो आजकल था गर्मी के मौसम स्टार्ट हो गई है, तो मैं थोड़ा जल्दी मॉर्निंग उठ जाती है, तो ब्रेकफास्ट के बाद लेके चली जाती हूँ। उसके बाद थोड़ा वहाँ पे अच्छे से वो खेलती है। फिर थोड़ा सो जाती है, 1 to 2 hours तक जैसे सो जाती है, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो उसके बाद मिड मॉर्निंग स्नैक्स में जब उठ सोने के बाद मैं थोड़ा फ्रूट देती हूँ, आप उस टाइम ज़्यादा मत दीजिए, ज़्यादा देंगे तो फिर लंच वो नहीं खाएगी, तो मैं थोड़ा ही देती हूँ। वो फ्रूट्स वगैरह अपने हाथ से ही खाती है। फिर नहा के अभी फ्रेशन अप हो गई, वो रेडी हो गई और ख़ुद से कोम करना चाहती है, फिर पूजा रूम में आके जैसे भगवान को प्रणाम कर रही है। फिर हो गया लंच टाइम। लंच में मैंने आज दाल चावल और जो भिंडी की सब्ज़ी है वो मैं दे रही हूँ। नॉर्मली मैं स्टील की थाली में देती हूँ, मैं प्लास्टिक प्रीफर नहीं करती हूँ, और उसको नीचे बिठा के ही अच्छे से खिलाती हूँ, मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ, स्पून वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ। तो लंच के बाद वो थोड़ा अपने पापा के साथ खेलने लगी, अभी थोड़ा खेल रही है वहाँ पे। मैं कुछ काम कर रही थी क्लीनिंग वगैरह, तो वो आ गई सारे प्लेट्स निकाल के रखने के लिए, फिर रखेगी निकाल के, ऐसे ही मतलब कुछ ना कुछ करती रहती है घर में, तो बच्चे एक्टिव रहे तो अच्छा ही लगता है। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगे। मैं उसका फुल डे रूटीन भी जल्दी शेयर करने वाली हूँ।